महानगर के कचहरी क्लब टाउन हॉल मैदान में विभिन्न प्रदेशों के खादी ग्रामोद्योग उत्पाद के साथ आए उद्यमियों द्वारा खादी प्रदर्शनी में लोक रंग की छलक दिखाई दी। प्रदर्शनी स्थल पर पूरे देश के कोने कोने से प्रमुख उत्पादों को जगह दी गई है। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी एवं नौ युवक एवं नौ युवतियों को शहर की तरफ से पलायन रोकने एवं उन्हें उनके घरों पर ही रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जनपद गोरखपुर में कचहरी क्लब टाउन हॉल मैदान गोरखपुर में 10 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र में बन रहे उत्पाद के विपणन एवं प्रचार प्रसार हेतु उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ये प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में रविवार से खादी एवं ग्रामोद्योग की वस्तुओं की अब तक लगभग 10,36,000 की बिक्री हुई है। इस प्रदर्शनी में प्रत्येक दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। सोमवार को नूरजहां बेगम द्वारा अपना लोकगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसे सुनकर दर्शक खूब आनंदित हुए। उन्होंने सर्वप्रथम सरस्वती वंदना प्रस्तुत किया, उसके बाद लोकगीत एवं भोजपुरी संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। प्रदर्शनी में ग्राहकों द्वारा अच्छी खरीदारी की जा रही है। प्रदर्शनी स्थल के बगल में राज कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाली हेतु प्रदर्शन कार्यक्रम से भी प्रदर्शनी स्थल पर खरीदारों की काफी भीड़ उमड़ी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए दुकानदारों ने कहा, thank you.
बोला है तो बहुत अच्छा है, बिक्री होता है अच्छा यहाँ पर और लाभ मिलता है आने पर, बिक्री अच्छा होता है, व्यवस्था बढ़िया है यहाँ का और बिक्री बम्फर होता है यहाँ गुरुपुर में, हर जगह से बिक्री यहाँ ज़्यादा होता है और हर तरह का माल आया है, हर तरह का चीज़ है, लोग को अपनी पसंद के खूब बढ़िया ख़रीदारी करते हैं, सबको अच्छा लगता है, कपड़ा खरीदते हैं खूब, हर चीज़ साइज का है, हर चीज़ मिलता है, रेशम कटिया पैंट के कपड़ा कॉटन में, ये सारा चीज़ खूब खरीदते हैं लोग। मेरा नाम राजू त्रिपाठी पड़ता है सर। सर जी गोरखपुर मंडल में आया, मंडलीय स्त्री है, खादी ग्राम उद्योग की है, हमारी ओम साईं फ्रूट प्रोडक्ट अचार मुरब्बा है और मोहली चिलबिला प्रतापगढ़ से हैं और ये बिक्री हेतु आए हैं जहाँ पे कि अच्छा प्रोसेस जाता है और यहाँ पे कम से कम 10 दिन के अंदर कम से कम 2-3 लाख रुपए की सेल करके तब यहाँ से जाते हैं और यहाँ का रिस्पांस बहुत अच्छा मिलता है हमको, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और प्रोडक्ट जो है हमारा बहुत अच्छा है। मेरा नाम सर रामलाल है, बीकानेर से आया हूँ, नमकीन की दुकान है और राजस्थान बीकानेर से आते हैं और नमकीन वगैरह पापड़ है, अचार में काफ़ी वेराइटियाँ हैं, तो नेचुरल चीज़ है और हर बार आते हैं हर साल और बिक्री अच्छी होती है। एक ये स्पेशल हमारे पास मिर्ची का अचार है जो बहुत ही फेमस अचार है, राजस्थान का नंबर वन का अचार है ये, इसमें हरी मिर्च भी है, लाल मिर्च भी है, लहसुन की चटनी भी है और ये तीन तरह का आइटम है, बहुत फेमस आइटम होता है ये। ये देखो इतनी मोटी मोटी मिर्च है, ये एकदम देसी मिर्च होती है राजस्थान की, कभी कभी कहीं नहीं देखी है ऐसी मिर्च, बिल्कुल एकदम लंबी वाली मिर्च होगी, देसी वाली है।
नंबर वन की चीज आएगी। और उसके अंदर एक साथ में ये एक पापड़ और है जिसमें तीन टेस्ट है, चने की दाल, मूंग की दाल, चने की दाल का, मूंग का दाल का, उड़द की दाल का, तीनों का मिक्स पापड़ है ये। और ये 26 जनवरी के ऊपर बहुत चलता है, स्पेशल आइटम है सारे। इधर ये बड़ी भी है, एक ये राजस्थान के कट्टे हैं, सब्जी के लिए होते हैं, फेमस चीज है। मोहम्मद आरिफ अखमीर से, हमारी शॉल सूट की दुकान है, बहुत फायदा होता है यहाँ पे, हम 10 सालों से आ रहे हैं, तो बहुत फायदा होता है। हमारे पास शॉल है, सूट है, तो हमारे पास पश्मीने की शॉल है, वूलन की शॉल है, तो बहुत फायदा होता है।